Hello students, previously we have seen Windows operating system and its feature. पुराने उसमें हमने वीडियो में देखा कि Windows 7 operating system और उसके features क्या हैं, file क्या होती है, folder क्या होता है, file का type क्या होता है, folder का type क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी. ये chapter जो है तो फास्ट ट्रैक ऑफ टू कंप्यूटर एप्लीकेशन जो 9th आपकी बुक रेफर हो रही है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में विंडोज 7 के बारे में जो डिटेल्स बच रही है उस लेक्चर को मैं अभी उसके बारे में बता रहा हूँ. आई एम टेलिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट थिंग, the term is divided into basically fast track, disk track. Disk drive. Disk drive refers Describe refers to a storage device of the computer with file or folder or store. Disk drive are referred by followed by colon symbol. तो अब इसमें क्या होता है, डिस्क ड्राइव की हम जब बात कर रहे हैं कि कॉलन सिंबल डिस्क ड्राइव का मतलब ये है कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो हार्ड डिस्क की ड्राइव होती है ना, वो सी ड्राइव, डी ड्राइव, आपकी पेन ड्राइव की कोई ड्राइव होती तो ई ड्राइव, ये उसके बारे में बताते हैं. अब ये जो है ये विंडोज एक्सप्लोरर है, माय कंप्यूटर का पार्ट है जो कि बताया है. डिस्क्राइब रेफरेंस टू स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर वेयर फाइल्स और फोल्डर्स आर स्टोर्ड. डिस्क्राइब आर रेफर्ड बाय अल्फाबेट फॉलोड बाय कॉलन. कॉलन लिखा होता हूँ. हार्ड डिस्क ड्राइव इज रेफर्ड सी कॉलन और डी कॉलन ड्राइव. अब उसको मैं आपको मेरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जो उसमें लिखा है बुक में. उसके अलावा अब हम जाते हैं विंडोज एक्सप्लोरर या माय कंप्यूटर में. ये आप माय कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं और जब मैं दिस पीसी, ये विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये लोकल डिस्क सी कॉलर और ई ड्राइव ये ई कॉलर. जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो सी कॉलर की वैल्यूज बताता है, ये राइट साइड फोल्डर है, और जब ई पे क्लिक करते हैं तो ई की डिटेल बताता है. ये दोनों तरीके से डिटेल यहां पे बताई जाती है. अब अगर पेन ड्राइव लग जाएगी तो उसकी डी ड्राइव या ई ड्राइव आ जाएगी. आपकी जो डीवीडी ड्राइव है वो डी ड्राइव हो जाएगी. तो जो भी आप लगाओगे उसमें ड्राइव, उसके अकॉर्डिंग आगे जो भी अल्फाबेट है. नॉर्मली हार्ड डिस्क की जो ड्राइव स्टार्ट होती है वो सी से होती है, और अगर हार्ड डिस्क में दो पार्टीशन होते हैं तो सी और डी आते हैं. यहाँ पर अभी सी और ई आए हैं, जो हार्ड डिस्क के पार्टीशन बता रहे हैं तो यहाँ पर सी और ई आए. ये देखो हार्ड डिस्क रेफर टू सी डी, अपने इसमें ई है, ई भी हो सकती है. यूएसबी ड्राइव, यूएसबी ड्राइव का मतलब ये होता है कि आप पेन ड्राइव लगाते हो ना, पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव का जो पोर्ट होता है वो यूएसबी पोर्ट होता है. यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस. तो यूएसबी पोर्ट में एफ ड्राइव, जी ड्राइव, एच ड्राइव, जितनी आप ड्राइव लगाएंगे वो सब आई ड्राइव होती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग वो काम होता जाएगा. द लोकेशन वेयर फाइल इज स्टोर्ड डिपेंडिंग ऑन द ड्राइव वेयर यू चूज इन द सेवर्स. अब वही वाली बात है कि जो भी आप फाइल चूज करते हैं वो उस ड्राइव में जाएगा. जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि माई डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में ऑटोमेटिकली आपकी फाइल सेव होती है. माई डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर, माय डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर जो होता है वो सी ड्राइव, डी ड्राइव, सी ड्राइव में नॉर्मली होता है और उसी में सेव होता है उसका फोल्डर. अब उसके आगे हम बात करें तो ड्राइव के बारे में मैंने डिटेल बता दी. ड्राइव में यही रहता है, ये आप जो देख रहे हैं जैसे ये दो हार्ड डिस्क की ड्राइव बता रहा है और ये आपकी दूसरी ड्राइव बता रहा है. ऐसे ही यहाँ पर अभी इसमें मेरे से डी ड्राइव नहीं है, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं डीवीडी की ड्राइव नहीं है,
तो डीवीडी की ड्राइव होगी तो वो डीवीडी बताएगा, जैसे डीवीडी लगाएंगे वो डीवीडी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर सी और ई बता रहा है, और हार्ड डिस्क का जो शेप होता है वो इस तरह का होता है, ये जो इस तरह का शेप है ये हार्ड डिस्क का शेप होता है। हार्ड डिस्क के दो पार्टीशन है इस हार्ड डिस्क में, और दो पार्टीशन शो हो रहा है। अब आगे बढ़े हम, ये हुई डिस्क ड्राइव की बात, और मैंने बताया हार्ड डिस्क कौन से ड्राइव में शो होती है, आपकी अपने पेन ड्राइव कौन से ड्राइव में शो होती है। जैसे पेन ड्राइव जितनी भी ड्राइव आपकी एग्जिस्टिंग है उसके अलावा जो बचती है, मान लो सी डी ई ऑक्यूपाइड है तो एम ड्राइव जी ड्राइव बन जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं। आगे बढ़े हम, ये विंडोज एक्सप्लोरर की बात कर रहे हैं। अब विंडोज एक्सप्लोरर में आपको वापस बता रहा हूँ, जैसे मैं विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। विंडोज एक्सप्लोरर इज ए पावरफुल इजी टू यूज टूल फॉर विविंग एंड वर्किंग विद फाइल्स फोल्डर। फाइल और फोल्डर के लिए ये फाइल और फोल्डर को शो करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर दो ऑप्शन है। इट गिव्स अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द फाइल और फोल्डर, जो भी आपके कंप्यूटर में जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल है वो सब उसमें आते हैं। यू कैन स्टार्ट विंडोज एक्सप्लोरर इन सेवरल वेज। अब इसमें ये बता रखा भैया आप विंडोज एक्सप्लोरर बहुत सारे सारे तरीके से देख सकते हो। क्लिक ऑन स्टार्ट प्रोग्राम एसेसरीज विंडोज एक्सप्लोरर, फिर और विंडोज एक्सप्लोरर आइकॉन ऑन टास्क बार में भी विंडोज एक्सप्लोरर का आइकॉन है। फिर उन्होंने बता रखा है कि ये एड्रेस बार है, सर्च बार से ये बैक बटन है, ये फॉरवर्ड बटन है, ये टूल बार है, और ये नेविगेशन पेन है। इसको मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये विंडोज एक्सप्लोरर का है, ऊपर आप देखोगे तो ये इसको अपन ऐसे देखते हैं, ये राइट पेन जो यहाँ पे दे रखा है, ये सर्च बॉक्स जो सर्च बॉक्स है वो रह गया ना सर्च बॉक्स, इसको इसी सीन में ले आते हैं। ये सर्च बॉक्स है, ये एड्रेस बार, ये एड्रेस बार हो गया यहाँ पे जो करा, ये एड्रेस बार हो गया, फिर ये राइट पेन, तो ये राइट पेन हो गया। फिर इधर ले हम इसको हम ऐसे कर देते थोड़ा सा ऊपर, और इसको यहां से देखते हैं, अब पूरा देखेंगे। तो पहला वाला बटन बैक साइड का बटन, ये आप बैक साइड हो गए, ये बैक ले लिया। फॉरवर्ड बटन वापस ये फॉरवर्ड हो गया, वो विंडोज 7 के हिसाब से विंडोज 10 के हिसाब से, इसका डिफरेंस मत समझना। ये फाइल मेनू होम शेयर, फिर उसके बाद फॉरवर्ड बटन हो गया, टूल बार कमांड बार, तो ये कमांड बार अवेलेबल है, और फिर नेविगेशन पेज, ये जो वेबसाइट है ये नेविगेशन पेज। ओवरऑल डिटेल मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग बता दी। 7 और 10 में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, वो डिफरेंस बेसिकली ऊपर की मेनूज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम है। जैसे इसमें लिखा डिस्क पीसी, इसमें डॉक्यूमेंट होता है, वहां बेसिकली माय डॉक्यूमेंट होता है, सब फोल्डर्स और फाइल्स बता रखे हैं। अब आगे बात करें, ये एड्रेस बार में एड्रेस होता है अलग अलग लोकेशन पे जाने के लिए, मीनू बार जो होता है मीनू बार मतलब पूरा क्लिक करना पड़ता है, वो मीनू बार होता है। जैसे ये फाइल में अपन ने क्लिक करा तो मीनू बार, ये इसके अकॉर्डिंग क्लिक होता है, ये पूरा मीनू बार देता है। फिर सर्च बार सर्च करना वो देख चुके हैं, कमांड बार नेविगेशन पेन देख चुके हैं, लाइब्रेरी देख चुके हैं। अब इसमें लिखा व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल्स और फोल्डर्स देखने का तरीका। टू पेन नेविगेशन पेन लेफ्ट साइड एंड राइट पेन, द नेविगेशन पेन डिस्प्ले द ड्राइव्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। लेफ्ट साइड में जो भी देखा रहेगा राइट साइड क्लिक करो, यू कैन सिलेक्ट एनी ड्राइव और फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर बाय क्लिकिंग इट्स आइकॉन नेविगेशन, इसके अकॉर्डिंग वो
क्लिक कर सकते हैं। फाइल और फोल्डर डिस्प्ले इन द राइट पेन कैन बी ओपन बाय डबल क्लिकिंग ऑन देयर आइकन। वेयर फोल्डर्स ओपन इट्स कंटेंट विल बी डिस्प्ले राइट। अभी राइट में और जो फोल्डर और फाइल है उसके बारे में मैं आपको यहीं से डिटेल बता देता हूँ। क्लिक करा तो फाइल की लोकेशन है। और इस पर डबल क्लिक करा ये डबल क्लिक ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। डेट मॉडिफाई देखना तो डेट के अकॉर्डिंग आ जाएगी कोई भी। टाइप देखना तो टाइप मतलब एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग आएगी। एक्सटेंशन मतलब पहले फोल्डर आ गए उसके बाद जैसे एक्रोबिट ए एक्सटेंशन वाली फाइल फिर एचटीएमएल फाइल लेगी फिर एप्लीकेशन डॉट डीएलएल फाइल आ गई जेपीजी फाइल आ गई एचटीएमएल जिस फॉर्म में लेंगे उसी फॉर्म में वो डिस्प्ले। ये फिर जेपीजी फाइल जेपीजी फाइल मतलब आपकी इमेज फाइल होती है ये एक्सेस की फाइल है। मैंने लास्ट टाइम जो बताया था एक्सेस की फाइल का एक्सटेंशन डॉट एक्सेस एसीसीडीबी होता है। जैसे आप इसको खोलेंगे डबल क्लिक करके तो एक्सेस की फाइल ओपन हो जाए। ये इमेज एक्सेस है ये ब्लैंक डेटाबेस ऐसे काफी सारी डिटेल है। साइज के अकॉर्डिंग कम ज्यादा मतलब ये इस पे क्लिक करते ना साइज के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो जाता है। वापस साइज करेंगे तो अब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। असेंडिंग का मतलब स्मॉलर साइज से लेकर बिगर साइज डिसेंडिंग में बिगर से स्मॉलर। तो आगे बढ़े हम ये व्यूइंग फाइल एंड फोल्डर ये मैंने बता दिया प्लस साइन से एलोबरेट करते हैं चीजों को। अब हम कोई भी चीज क्लिक करते हैं तो उसका उसकी डिस्प्ले होती सीधे देख रहे हैं उसकी डिस्प्ले करने के लिए। ये सब फाइल है यहां तक वो येलो में जितने दिख रहे हैं सब फोल्डर है। अच्छा आप जब इसको क्लिक करते हैं तो प्लस साइन ही आता है ये यहां पे प्लस के बजाय एरो साइन दे रखा क्योंकि विंडो सेम है। और डिटेल में आप जा सकते हो उसके अकॉर्डिंग। फिर चेंजिंग द एक्सप्लोरर व्यू अब लार्ज आइकॉन देखना। अब देखो ये वाली जो चीज है चेंजिंग द एक्सप्लोरर व्यू ये भी मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसको आपको समझाता हूँ फिर आपको मैं इसको पढ़ के बताऊंगा। ये राइट क्लिक लिया एक्स्ट्रा लार्ज। अब आप देखना एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में बड़े बड़े आइकन आ गए फिर राइट क्लिक करा लार्ज आइकन दोनों आइकन में डिफरेंस है। एक्स्ट्रा लार्ज मतलब बहुत बड़े हो गए ये फोल्डर ये दूसरा तरीका है। एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज फिर मीडियम आइकन उससे छोटे अब वो अलग ही दिख रहे फोल्डर कौन से है फाइल कौन सी स्मॉल आइकन
ये स्मॉल आइकॉन, आप देखो आप स्मॉल आइकॉन और फिर ये लिस्ट आइकॉन, ये इतने सारे व्यूज हैं, इसको बोलते हैं व्यूज लिस्ट। अब स्मॉल आइकन में क्या होता है, लिस्ट में पहले फोल्डर आया फिर फाइल आई, और लिस्ट में जो व्यूज है आपका वो कॉलम वाइज है। अब आप ध्यान से देखना, और स्मॉल आइकन में आपका व्यूज है वो कॉलम वाइज है, पर दो कॉलम में आपकी बात खत्म हो गई, दो कॉलम में दो कोर्स लिस्ट। डिटेल में अब अंतर आता है, जितने व्यूज अभी अपन ने देखे एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज, इन सब व्यूज की खासियत है कि इसमें खाली नाम आते हैं फाइल या फोल्डर के, और यहां पर क्या होता है, इसमें डिटेल में आपका नाम आया, डेट का मॉडिफायर, टाइप और साइज, मतलब डिटेल में पूरी डिटेल आ जाती है, पहले फोल्डर की आएगी फिर फाइल की आएगी। तो ये डिफरेंस है। ये फाइल तो ये व्यूइंग जो अभी आपका चल रहा है, आइकॉन व्यू, लिस्ट व्यू, ये मैंने बताया, डिटेल व्यू, टाइप व्यू, कंटेंट व्यू। स्विचिंग करना हो तो वो राइट क्लिक करके मैंने आपको बताई दिया। अब फोल्डर कैसे बनता है, अब फोल्डर बनाने के लिए तो वैसे आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ए फोल्डर इज अ लोकेशन वेयर यू कैन स्टोर योर फाइल। तो फोल्डर इज ए लोकेशन वेयर यू कैन स्टोर फाइल्स, यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ फोल्डर और इवन स्टोर फोल्डर इन साइड फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर रखते हैं, तो वो तो फोल्डर के अंदर फोल्डर भी रख सकते हो और सब फोल्डर भी रख सकते हो, जो फोल्डर के अंदर फोल्डर रखा जाता है उसको सब फोल्डर बोलते हैं, और फोल्डर के अंदर फाइल भी होती है। स्टेप्स टू क्रिएट ए फोल्डर यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू मैं बताया था, कोई राइट क्लिक करोगे आप कहीं भी, इसमें एक सिंपल सा फंडा है, कहीं भी राइट क्लिक करो और आप ऑप्शन न्यू देखोगे तो आपको फोल्डर बन जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये राइट क्लिक और ये न्यू, ये फोल्डर बनाने का तरीका, मैंने स्टेप क्लिक दी, कहीं भी आप राइट क्लिक करो फोल्डर और न्यू, फोल्डर इज अ प्लेस वेर यू आर कीपिंग योर फाइल और फोल्डर, फोल्डर ऐसी जगह जहां पर फोल्डर और फाइल रखी जाती है। ये क्रिएट कर देता हूं मैं फर्स्ट, माय फाइल मेरे नाम से कर देता हूं, नेक्स्ट वन नाम से। अब फोल्डर में यही है, आप सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम कर सकते हैं, ये काफी सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन अप्लीकेबल है, रीनेम करना, डिलीट करना, ये रीनेम करना, रीनेम आपने कर दिया तो कुछ जो भी आपको नाम देना वो नाम दे सकते हैं। ओपन विंडो एक्सप्लोरर इन द नेविगेशन पेन, सिलेक्ट द लोकेशन टाइम ऑफ डेस्कटॉप एंड यू वांट टू क्रिएट न्यू फोल्डर, अभी हमने ई कॉलम पे न्यू नया फोल्डर क्रिएट किया, क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, पॉइंट टू न्यू ऑप्शन। अब यहाँ पर ये इसमें भी आप कर सकते हो, इसमें तो वैसे क्लोज ओपन न्यू डॉक्ट विंडो,
नई विंडो भी से भी काम कर सकते हो आप। 7 और 10 में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, रीनेम मैंने अभी आपको बताया, राइट क्लिक करो, रीनेम कर दो। रीनेम का मतलब है आपने जो नाम दिया वो दे सकते हो। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जो नीचे दे रखी है, रिमेम्बर इसको पढ़ने वाली बात है, फाइल का नाम जो आप दे सकते हो फाइल का नाम आप जो दे सकते हो ना वो 255 कैरेक्टर्स तक दे सकते हो। यू कैन स्पेस एंड अंडरस्कोर इन नेम्स, स्पेस भी दे सकते हो और अंडरस्कोर भी लगा सकते हो। अंडरस्कोर मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जब आपको बनाया ना नीलेश अंडरस्कोर 12 दे सकते हो, ये अंडर स्कोर लिया था। फिर बट यू कैन नॉट यूज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, एट द रेट स्टार कॉलन लेस देन ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क, ये सब सिंबल आप यूज नहीं कर सकते। द बेस्ट वे टू कीप योर फाइल ऑर्गेनाइज विद इन कंस्ट्रक्टिंग नेमिंग कन्वेंशन, जो भी आपको नाम देना है ये आप नहीं दे सकते, एट द रेट स्टार कॉलन लेस देन ग्रेटर देन ये नाम नहीं दे सकते। You can rename a group of files, select all the files you want to rename. तो जो भी नाम मैंने बताया आपको नाम देना हो तो ना सकते, इसको rename बोलते, right click करके अपन ने भी देखेंगे। Deleting file of folders, right click करा, select करा, select करने के पहले आप click करना पड़ेगा और delete। अभी जैसे डिलीट फोल्डर आपने करा हो साइकिल में जाता हो मेरी साइकिल में डिलीटेड फाइल जाती है ना। अब ये फाइल डिलीट करके रिसाइकल बिन में जाते हो, रिसाइकल बिन से वापस आप ला सकते हो। मैंने वापस उसको करता हूँ, सिलेक्ट करा, राइट क्लिक, रिस्टोर, तो ये उसी प्लेस पे चली जाएगी जहां से डिलीट हुई थी। ये नीलेश मंसूर, रीस्टोर का मैंने अभी ऑप्शन बताया, आप सिलेक्ट करके वापस ले सकते हो। हाँ, रीसाइकल बिन से अगर आपने एक बार डिलीट कर दी तो वो फाइल कभी नहीं आएगी, एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। ये लिया, राइट क्लिक लिया, डिलीट, रिसाइकल बिन टाइप रिस्टोर, ये डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी। तो
ये डिलीट वाला ऑप्शन है, और भी ऐसे ऑप्शंस हैं। फोल्डर को मूव करना, कट करना, अब इसमें मूव करना, तो मूव करने के लिए भी आपको एक बता देता हूं। ये राइट क्लिक करा, और ये आपने कट करा, ई ड्राइव पे है, और जैसे ये 3 NTFS यहां मैंने पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक करके पेस्ट, ये नीलेश 12 से आई, इसको बोलते हैं मूव। मूव में ये होता है कि एक प्लेस से कट हो जाता है और दूसरे प्लेस पे आता है, और कॉपी में ये होता है कि जैसे हम यहां से वापस अपन ने कट कर दिया और वापस लिया, ये तो इसको बोलते कट। अब जैसे आपके इसमें और भी मूव, कॉपी, ये राइट क्लिक लिया, कॉपी, और अब आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो उसको। तो कॉपी में क्या होगा, एक प्लेस से अलग नहीं जाएगा, ये यहां भी है वहां भी है, ये आप देखो मैं दोनों जगह बताता हूं। और एक और जगह बताया था, विंडोज एक्सप्लोरर में विंडो और ई के प्रेस, ई की प्रेस करते हैं, ये दिख रहा है, और इसमें ये दिख रहा है, ये दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कॉपी और पेस्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, और ये विंडोज टूल दे रखे पेंट नोटपैड, तो पेंट नोटपैड अपन जब करते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ पेंट पेंट ब्रश के लिए यूज होता है, ये पेंट ब्रश नोटपैड जो पेंट, ये जैसे आपको कोई भी चीज करना हो, ये पेन ब्रश तरीका से, ये तो बहुत अच्छे से आता होगा आपको। फिर एक और नोटपैड, नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है, ये नोटपैड, तो टेक्स्ट एडिटर है ये, उसमें आप कोई भी चीज को टाइप कर सकते हैं। तो ये नोटपैड है, उसके अलावा और भी चीजें जो एसेसरीज में आपके काम आती है, एक होता है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर है, स्टैंडर्ड और साइंटिफिक, ये दोनों अलग अलग कैलकुलेटर आ जाते हैं।
तो ये पेंट हो गया। फिर एक वर्डपैड होता है, ये भी टेक्स्ट एडिटर है। ये वर्डपैड ये वर्डपैड है, ये टेक्स्ट एडिटर है। ये टेक्स्ट एडिटर है और ये कोई भी चीज इसमें सेव करते हैं वर्डपैड में तो आरटीएफ फॉर्मेट में सेव होती है, जिसको बोलते हैं रिजिस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये आज के लिए अपन इतना ही। वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है, जैसे नोटपैड से आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। ये अब आप देखो कि दोनों स्क्रीन को मैंने साथ में रखा, तो अब आपको समझ आ गया होगा नोटपैड पे आपको ये इस टाइप की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती, वर्डपैड पे आपको ये सब फैसिलिटी मिलती है। ये वर्डपैड है, ये नोटपैड है। नोटपैड में केवल आप टेक्स्ट राइट कर सकते हो, फोन राइट कर सकते हो। वर्डपैड में आप ये सारी डिटेल रख सकते हो, ये ध्यान रखने वाली बात। तो ये नोटपैड है और ये वर्डपैड है। वर्डपैड में आप सारी फैसिलिटी, मतलब जितनी भी सारी फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी मिलती है, वर्डपैड में वो सारी फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी मिलती है, वो यूज होती है। आज मेरे ख्याल से इतना ही। फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी का मतलब होता है बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक करना, ड्राइंग करना, अलाइनमेंट करना, फोन साइज चेंज करना, फोन का नाम चेंज करना, ये सारी चीजें यूज होती है। मेरे ख्याल से इसमें काफी कुछ चीजें मैंने इसमें बताई है और ये पूरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्लीट हो जाता है। मैंने इसमें क्या क्या बताया, मैं आपको शॉर्ट में बताया तो विंडोज 7 के फीचर्स बताए, डिस्क ड्राइव बताई, विंडोज एक्सप्लोरर बताया, कॉपी करना बताया, कट करना बताया, रीनेम करना बताया, फोल्डर को डिलीट करना बताया, वापस रिस्टोर करना बताया। ये सारी फैसिलिटीज एक ही जगह हमने देखी और काफी सारी फैसिलिटीज है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क करा। एड्रेस बार बताया, व्यूइंग जो अलग अलग, एक लार्ज आइकॉन, एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन, और ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उसमें आप अच्छा इस प्रैक्टिस करने में आपको ये भी एडवांटेज मिलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आगे इम्पोर्टेंट है। यू कैन नॉट रीड एज ए सब्जेक्ट, इस चीज को आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रीड मत करो, इस सब्जेक्ट को आप इसको अपने अकॉर्डिंग मानो। जब भी प्रैक्टिकल होगा, ऑफिशियल यूज आज की तारीख में कहीं ना कहीं ही, और इफ यू आर वर्किंग इन दिस अप्रोच तो आप उसको कहीं ना कहीं आपको ये एडवांटेज मिलेगा। व्यूइंग फोल्ड लार्ज आइकॉन स्मॉल आइकॉन मैंने बताया। अच्छा एक चीज और, विंडोज में आप सिंगल क्लिक करते हो तो सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक करते हो तो आप ओपन होता है कोई भी चीज, ये कंटेंट व्यू, लिस्ट व्यू, डिटेल व्यू अपन ने देखा, स्विचिंग व्यू देखा अपन ने, फाइल और फोल्डर का नाम बदला अपन ने, बदला ही सही। फाइल का नाम हाई 255 कैरेक्टर तक दे सकते हो, अंडर स्कोर अलाउड है, डॉट अलाउड है, और ये कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, ये जो है ना ये अलाउड नहीं, आप ये नाम नहीं दे सकते नॉर्मली। हालांकि हम इतना बड़ा नाम नहीं देते हैं, वी आर नॉट गिविंग एनी बिगर नेम, तो इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है। हम इतना बड़ा नाम देते नहीं, अंडर स्कोर ही एक ऐसी फैसिलिटी जिसको हमको प्रॉपरली मिलती है। डिलीट करना फाइल को, फोल्डर को, रिस्टोर करना, रिस्टोर मतलब वापस उस प्लेस करना। ये बात ध्यान रखना कि एक बार डिलीट कर देते हम रिसाइकल बिन से तो वो परमानेंट डिलीट हो जाती है, उसके बाद हमको वो चांसेस नहीं होते कवर करने के। हाँ एक इसमें एक ये चीज बोली कि अगर आप एक्सीडेंटली डिलीट कर देते फाइल तो आप अंडू करोगे तो वापस आ जाएगी, या फिर वहां जाके रिस्टोर कर दो रिसाइकल बिन। ये हमारे पास एडवांटेज वाली चीजें थी और काफी एडवांटेज मिलता। मूव मैंने बताया, मूव कट से होगा, कॉपी से दोनों जगह कॉपी होगा, मैंने दोनों जगह का आपको एग्जांपल भी बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आज के लिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप ग्रुप पे लिख दें या आप मेरे को उसमें मैसेज कर सकते हो पर्सनली, मैं उस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नंबर 9827242411 है और उस ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, तो उस ग्रुप में आप जब भी कुछ क्वेरी हो
तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। पर पर्सनल मैसेज जब भी करें तो अपना नाम और अपनी क्लास जरूर लिखें।